हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ओल्ड फूड प्राइस इंडेक्स पे रहेगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से, क्योंकि आपको इसके बेस पीरियड के बारे में और कौन रिलीज़ करता है, कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज़ करता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और ये रिसेंटली करंट अफेयर्स भी है, क्योंकि अभी दिसंबर के महीने में 2020 तो 7वीं बार जो है वर्ल्ड फूड प्राइसेस बढ़ गए हैं अकॉर्डिंग टू जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो सारा कुछ हम जानेंगे, राइट? और FAO क्या होता है और किस बेस पीरियड पे इसको कैलकुलेट किया जाता है और क्या क्या पब्लिकेशंस होते हैं FAO के द्वारा, वो भी हम जानकारी लेंगे। और क्यों ये इंडेक्स निकाला जाता है हर साल, राइट? तो कोई ना कोई मकसद होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक इंडेक्स से अगर आ रही है मार्केट में, तो दे विल हैव सम टारगेट्स, दे विल हैव सम इश्यूज और दे विल ऑल्सो प्रोवाइड सम सजेशन, राइट? किस तरह से हम इश्यूज को ओवरकम कर सकें। तो सारा कुछ हम डिस्कशन करेंगे और फूड और इन्फ्लेशन को किस तरह से, क्या क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, उसके बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट आज का लेक्चर। जो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है दोस्तों www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। आपको कई सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज मिलेंगे वहाँ पे, जो हमारे कई सारे एजुकेटर्स बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, ताकि आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप एंट्रेंस लेवल एग्जाम ईजिली क्लियर कर पाएंगे। और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी वहाँ पे अच्छे से बनाए रखे हैं। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बता दिया था व्हाट इज़ अ करेंट अफेयर, तो रिसेंट न्यूज़ यही है कि वर्ल्ड फूड प्राइजेज जो है, अगेन इट हैज़ बीन राइजन फॉर अ 7th कॉन्सिक्यूटिव मंथ इन दिसंबर 2020। 7वीं बार कंटिन्यू हमने राइज देखा है वर्ल्ड फूड प्राइजेस में। बेसिकली ये जो प्राइजेस है, आपको 5 कैटेगरीज पे कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें आपको शुगर रहता है, वेजिटेबल्स रहते हैं, डायरी, मीट। तो इनके बेसिस पे आपको प्राइजेस कैलकुलेट करके इंडेक्स को निकाला जाता है हर साल। तो 7 मंथ कॉन्सिक्यूटिव इंक्रीज हमने देखने को मिला है। ऑब्वियसली ये तो होना ही था ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन, ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट रुक गया था सारी दुनिया में, एंड वॉट एवर द स्टॉक विच इज अवेलेबल इन द कंट्री, सो उसी से लोग चला रहे थे। ऑब्वियसली सो दे विल इंक्रीज द प्राइजेस, जैसे कि आप देख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस शुगर डायरी प्राइजेस, आपको दूसरे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, राइट? वीट हो गया, जो सीरियल्स हैं उसके प्राइजेस भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अगर आपने, मैं आगे चलकर आपको मैप भी दिखाऊंगा 2017 में क्या प्राइजेस थे, 2019, 2018 के बाद क्या हो गया है, सडनली हम लोगों को राइज देखने को मिला है। इट क्रिएट्स अ टैंडम फ्रॉम मार्च 2018 टू 2020। तो वी विल डिस्कस लेटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो दिस वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके द्वारा इस इंडेक्स को लाया जाता है, एंड इट इज़ अ मेजर ऑफ मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइजेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड ऑफ कमोडिटीज, राइट? हर मंथ आपको जो जो चेंज किया जाता है उसके हिसाब से ये लोग पब्लिश करते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, 5 कमोडिटी ग्रुप है इसमें। सीरियल हो गया, राइट? वेजिटेबल हो गया, डायरी हो गया, मीट हो गया और शुगर हो गया। सो इट कंसिस्ट ऑफ दिस 5 कमोडिटीज, उसके बेसिस पे इंडेक्स को तैयार किया जाता है, राइट? एंड बेस पीरियड विल बी 2014 एंड 16। ये 2 साल का जो टाइम पीरियड है उसको बेसिस करते हुए लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट? कोई भी इंडेक्स ले लीजिए आप, उनका बेस पीरियड जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया और CPI हो गया, जिसका जो बेस प्राइस है, बेस पीरियड जो माना जाता है 2011-12, राइट? उसको चेंज कर कर अब 2014 की बात कर रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो इसी तरह हर इंडेक्स का एक बेस पीरियड रहता है दोस्तों, तो उसके बेसिस पे एक ये लोग कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज एक प्रॉपर रेफरेंस अगर हमारे पास रहेगा तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है और क्या क्या इसके इम्पैक्ट हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि FAO जो रिलीज करती है फूड प्राइस इंडेक्स, वो किस बेसिस पे निकाला जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है 2011-12 में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसको एक जो प्रोमिनेंट फिगर जो माना जाता है, फिगर 2011-12, दे ब्लाइंडली गो फॉर 2011 एंड 12। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इट बेस पीरियड विल बी 2014 टू 16,
एंड इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीरियल, वेजिटेबल, डायरी, मीट एंड शुगर. देर इज नो ऑयल एंड नथिंग इंक्लूडेड इन दैट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. और जैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया है, तो आज आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में मैप में भी कि किस तरह से चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं 2018 के बाद. सी 2018 का जब ग्राफ इतना लो हुआ था, देन 2019 इट सडनली इंक्रीज्ड, राइट? एंड 2020 का अगर आप ग्राफ देखें, इट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, राइट? सो देर इज ए टैंडम वी हैव सीन फ्रॉम मार्च 2018 टू द प्रेजेंट 2020. तो लेट्स मूव ऑन. और कुछ इम्पोर्टेंट जो FAO है, जो FAO कहा जाता है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं. सो इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी दोस्तों ऑफ यूनाइटेड नेशन. अच्छे से याद कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है ये, UNFAO कहा जाता है इसे. ये दिस इज नॉट एनी सेपरेट इंस्टीट्यूशन. सो इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी कम्स अंडर द यूनाइटेड नेशन. और मेन मकसद यही है कि हंगर को डिफीट किया जाए. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो हमारा सेकेंड गोल है, SDG 2, जीरो हंगर, जिसको हमने टारगेट बना रखा है 2030 तक हम इसको कवर करेंगे. बट हवेवर इंडिया इज फार अवे एंड ड्यू टू दिस पैंडेमिक वी आर अगेन मूव फार अवे फ्रॉम दिस गोल, राइट? ये माना जाता है कि इस पैंडेमिक की वजह से और भी कई सारे जो है हंगर बढ़ जाएगी पूरे वर्ल्ड में. सो डाउन टू अर्थ मैगजीन में एक अच्छे से आर्टिकल पब्लिश किया गया था. मैं आपको किसी दिन उसके पर भी लेक्चर लेकर आऊँगा कि हाउ दिस द हंगर पीपल विल इंक्रीज ड्यू टू दिस पैंडेमिक. तो बेसिकली हम अभी करंट अफेयर्स को कन्फाइन होते हैं. तो FAO इज ए स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिनका मकसद यही है कि हंगर को डिफीट कर सकें. और इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों? 1945 में, राइट? 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था. और इसका हेडक्वार्टर्स आपको रोम इटाली में मिलेंगे. हेडक्वार्टर्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका फाउंडिंग ईयर भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है. और इनका मकसद यही है कि फूड सिक्योरिटी अचीव करे पूरी दुनिया में. सो इन नॉट ओनली द फूड सिक्योरिटी, उसके साथ साथ आपको हाई क्वालिटी फूड दिया जाएगा, हेल्थी लाइफ्स बने रहें, क्योंकि फूड अच्छा रहेगा, लोगों को पौष्टिक जो खाना मिलेगा, ऑब्वियसली दे विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ. सो इनडायरेक्टली दे आर अचीविंग द अनदर गोल ऑल्सो, राइट? हेल्थ रिलेटेड गोल. सो इनका सारा यही मकसद रहता है कि हंगर को डिफीट किया जाए, हाई क्वालिटी फूड उनको प्रोवाइड किया जाए. मोस्टली ऑन द जो वेस्टर्न कंट्रीज है और अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे अगर आपने देखा होगा किस तरह बुरी हालत रहती है वहाँ के लोगों की, राइट? कई दिनों तक लोगों को खाना नहीं मिलता है, बच्चे तो पूरे सूख चुके होते हैं. दे विल गो अंडर वेट, दे विल गो, राइट? दे विल फेस अनदर डिफिकल्टीज, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ फूड बिकॉज दे डोंट हैव ए न्यूट्रिशन. इसको हम क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन कहते हैं. बिकॉज दे डोंट हैव एक्सेस टू द प्रॉपर फूड, दे विल इन टर्न गो टू द माल न्यूट्रिशन. और उसकी वजह से क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है, राइट? सो दिस ऑल थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, राइट? तो आप बस इतना याद कर लीजिए, FAO इज ए स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इट वॉज एस्टेब्लिश बाई यूनाइटेड नेशन इन 1945. और इसका जो हेडक्वार्टर है रोम में है, इटाली में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको दोस्तों, हेडक्वार्टर से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में भी जान लेते हैं, क्या क्या इन्होंने इनिशिएटिव्स किया है अभी तक. तो पहली बात तो एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम ये लोग लेकर आए हैं, राइट? प्रॉपर ऑर्गेनिक फूड ग्रो किया जाए सारे कंट्रीज में, उसको प्रमोशन के लिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी ये लोग देते हैं इस हेरिटेज सिस्टम के द्वारा. और मेन बात यह है कि जो डेजर्ट लोकस्ट है, ग्रास होपर हम लोग कहते हैं, कि किस तरह से, अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर 2020 में, किस तरह से दे हैव स्प्रेड फ्रॉम द जो है वेस्टर्न कंट्रीज, इट विल एंटर इनटू द पाकिस्तान एंड विल एंटर इनटू द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया आल्सो, राइट? सो ये मॉनिटर करना भी इन लोगों का काम है कि किस तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है और क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लिया जाए, ये भी यही लोग सजेस्ट करते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक कमीशन बनाई गई है इसमें, तो उनका मेनली रिस्पॉन्सिबल है कि जितने भी जो फूड सप्लाई करते हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड के मेंटेन करें, राइट? प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फूड दिया जाए सारे अफ्रीकन कंट्रीज, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज को. एक प्रॉपरली कमीशन भी बनाया गया है. सो दिस आर द वेरियस इनिशिएटिव्स विच आर टेकन बाई FAO. अगर आपको MCQs में पूछ लें कि डेजर्ट लोकस्ट सिचुएशन जो है ये कौन मॉनिटर करता है, किसके अंडर आता है, इट विल कम अंडर द FAO. डोंट कन्फ्यूज विद द WHO, राइट? तो चलिए आगे बढ़कर इसके पब्लिकेशंस के बारे में भी जान लेते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड फूड जो प्राइस इंडेक्स है, उसके बाद क्या क्या, उसके साथ साथ इन्होंने क्या क्या और पब्लिकेशन करते हैं. फर्स्ट आपको आपके स्टेट ऑफ फूड फिशनरीज एंड एक्वाकल्चर, इसके बारे में भी रिपोर्ट निकालते हैं. एंड स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, किस
किस तरह से इसको ग्रो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट है और कहाँ कहाँ पे हम लोग डिफॉरेस्टेशन देख रहे हैं, उसके पर भी ये रिपोर्ट लेकर आते हैं। एंड फूड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली इनके नाम में भी है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली दे विल फोकस ऑन फूड सिक्योरिटी, राइट। क्या प्रॉपर फूड मिल रहा है और क्या जो स्टैंडर्ड्स ये लोग बनाए हैं कमीशन के द्वारा, क्या उसको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है, वो ये लोग इसके पर भी रिपोर्ट निकालते हैं। एंड स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड्स, इसके पर भी रिपोर्ट आती है। और एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स के किस तरह जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं ये मार्केट में किस तरह रेगुलेट किए जा रहे हैं, वो भी यही लोग पब्लिश करते हैं। बट हाउएवर आपको इतना डीप में नहीं पूछेंगे एग्जाम में, बस आप एक दो तीन याद कर सकते हैं ताकि अगर आप एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेंशन कर दें देन इट विल हैव ए प्लस पॉइंट फॉर यू। तो चलिए, अभी तक तो हमने वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में देख लिया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हमने जान लिया है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है और उसका बेस पीरियड क्या है 2014 से 16 तक। सो नाउ वी विल गो इनटू क्रिटिकल पार्ट, इनटू एनालिसिस पार्ट, कि हर जो साल या हर महीना अगर आप देख लें तो फूड प्राइस इंडेक्स क्यों रिलीज किया जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्या इससे फ़ायदा होगा हम लोगों को, राइट। कोई फ़ायदा हो तभी तो ये लोग रिलीज करते हैं ना। सो दे वी विल डू एनालिसिस नाउ, लेट्स मूव ऑन। तो देखिए, बेसिकली आपको एनालिसिस से पहले फूड प्राइजेस और इन्फ्लेशन को डायरेक्ट रिलेशन है दोस्तों, राइट। जैसे ही फूड प्राइजेस बढ़ जाएंगे इट विल लीड टू द इन्फ्लेशन, तो इस पे आपको थोड़े बेनिफिट्स भी हैं एंड यू हैव द लॉसेस ऑल्सो। बेनिफिट्स अगर आप देखें, सो हायर फूड प्राइजेस की वजह से आपको हायर इनकम मिलेगी, इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव द फार्मर्स इनकम। बट आई विल टेल यू, राइट, यहाँ पे एक स्टार मार्क आप रख लीजिए, ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट। सो वॉट एवर द फार्मर्स दे आर सेलिंग टू द मार्केट, दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर प्राइस फॉर देयर दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइट। इसीलिए तो कई सारे प्रोटेस्ट अभी हो रहे हैं। सो वॉट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग इन देयर फार्म्स, लाइक टोमेटोज, पोटैटोज, ऑनियंस, वॉट एवर, सो बीच में जो दलाल रहते हैं, जो बीच में जो मीडिएटर्स रहते हैं, दे विल गेट बेनिफिट्स, दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स टू द फार्मर्स। बट एनी हाउ ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट, सो जिसके वजह से क्या हो रहा है, कई लोग जो जो मीडिएटर्स रहते हैं, जो खरीदने वाले जो ट्रेडर्स रहते हैं, दे विल परचेज द फूड एट मिनिमम प्राइस फॉर द फार्मर्स एंड दे विल स्टॉक इन द गो डाउन, राइट। इसके वजह से क्या होता है, जब भी इन जो लैक ऑफ फूड रहता है मार्केट में, जब भी शॉर्टेज रहता है, तो ये लोग अपना स्टॉक को बाहर निकालते हैं एंड दे विल सेल एट हाई फूड प्राइजेस, तो इसके वजह से आपको इन्फ्लेशन हो जाता है। ये जो इकोनॉमिक एडवांटेज आप देख रहे हैं ना, दैट एडवांटेज इज टू द ट्रेडर्स, नॉट टू द फार्मर्स। बट एनी हाउ इसमें लोगों ने मेंशन किया है कि इट विल इंप्रूव द फार्मर्स इनकम, बट आई डोंट नो कि ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है। और फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जो मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ फूड है, अगर आप हम लोग ज़्यादा अगर फूड को एक्सपोर्ट करेंगे, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि अगर राइज हुआ वर्ल्ड प्राइजेस में, इट विल ब्रिंग सम टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, राइट, ताकि हमारा जो ट्रेड डिफिशिट है हम उसको बैलेंस कर पाते हैं। दिस इज द अग्रेबल पॉइंट जो मुझे भी लगता है। अगर हम इस वक्त अगर हमारे जो फूड प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट करेंगे, वेन एवर देर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड, वी विल हैव सम बेनिफिट। बट हाउएवर इन फार्मर्स को अगर आप इनकम इम्प्रूव करने की सोच रहे हैं इसके जरिए से, आई डोंट थिंक सो कि ग्राउंड रियलिटी इस पे सही रहेगी। तो चलिए कुछ मैं आपको इन्फ्लेशन रेट भी बता देता हूँ इसके इंडेक्स के बेसिस पे। तो जैसे कि अगर आप देखें तो अगस्त 2019 से 1.13% इंक्रीज हुआ था टिल जनवरी 2020, यानी 11% तक ये इंक्रीज हो चुका था। तो देर विल बी ए शार्प इंक्रीज इन द फूड प्राइजेस इन इंडिया में पाया गया है, एंड कंज्यूमर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें भी आपको कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले बिटवीन 2013 टू 2019, 6 ईयर्स ऑफ पीरियड में। बट हावेवर इंडिया भी जो फूड इन्फ्लेशन है उससे वापस आ चुका है अभी, तो स्लोली वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिफ्लेशन प्रोसेस एंड वी आर एट अ न्यूट्रल पोजिशन, बिकॉज ड्यू टू दिस पैंडमिक के वजह से भी क्या हो गया, एक्सपोर्ट बंद हो चुका है, और क्या हो, जो फार्मर्स है वो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेक्ट टाइम पे बेच नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सड़ जाएंगे। इसके वजह से क्या होता है, द वॉट एवर द स्टॉक वी हैव दे विल इंक्रीज द प्राइजेस एंड दे विल सेल टू द कंज्यूमर्स, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है इन्फ्लेशन में वो भी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली आपको लोकल फैक्टर्स भी रहते हैं और फॉरेन फैक्टर्स भी रहते हैं। लोकल फैक्टर्स की अगर आप बात करें तो अनसीजन रेनफॉल होना या रेनफॉल ही ना होना या फिर पूर रेनफॉल होना, ताकि अगर रेनफॉल रहेगा तभी तो अच्छे क्रॉप्स ग्रो होंगे। सो पूर रेनफॉल होने की वजह से क्या हो गया है, हम लोग ने जब डाटा देखा
तो इन रिपोर्ट ने, इन लोगों ने मेंशन किया है कि जून से लेकर जुलाई तक जो 2019 का पीरियड था, वहाँ पे पूर रेनफॉल होने की वजह से कई सारे क्रॉप्स सीधा ग्रो कर नहीं पाए, कई सारे जल गए, राइट, कई सारे ख़राब हो चुके हैं। अगर आप मिड नवंबर की बात करें तो टू मच रेनफॉल हो गया है, राइट, इसे अबनॉर्मल रेनफॉल किया जाता है। तो इनके वजह से क्या होता है, वी विल ऑल द फूड जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो रॉटन हो जाता है, सड़ जाता है, उसके वजह से आपको फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वॉट एवर दे हैव द स्टॉक दे हैव टू डिपेंड ऑन दैट ओनली, देर इज नो न्यू स्टॉक फॉर देम। और फॉरिन फैक्टर्स की अगर आप बात करें तो जितना ज़्यादा हम अगर इम्पोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को प्राइस बढ़ाना पड़ेगा डोमेस्टिक मार्केट में, बिकॉज वी आर पेइंग लॉट्स ऑफ मनी, वी आर पेइंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर इम्पोर्टिंग द एडिबल ऑयल और कई सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। सो इफ देर आर इंक्रीज इन द इंटरनेशनल प्राइजेस, अगर इंटरनेशनल प्राइजेस में इंक्रीज होता है तो हम लोगों को भी उसी प्राइस दे को खरीदना पड़ेगा, राइट। सो ऑटोमेटिकली इट विल हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर। यहाँ पे जब इंडिया में आएगा डोमेस्टिक मार्केट में तो वो लोग भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के ज़्यादा ही बेचेंगे, दिस इज द फॉरिन फैक्टर्स हो गया। और ग्लोबल प्राइजेस जो है इट विल ट्रांसमिट टू द डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो थ्रू एक्सपोर्ट्स, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इसके वजह से कई सारे इन्फ्लेशन होने के चांसेस हैं, राइट। तो पीरियड ऑफ डाइवर्जेंस जो हुआ है, जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, सो दिस इज अ मैप वेर यू आर सीइंग, 2018 से जो 2020 तक के 2 साल में जो डाइवर्जेंस हुआ है, एक सडन जो फूड प्राइस इंडेक्स में इंक्रीज देखने को मिला है बिकॉज ऑफ दिस ऑल फैक्टर्स व्हाट आई सेड नाउ। ये लोकल फैक्टर्स हो गए, फॉरेन फैक्टर्स हो गए, राइट। अगर आप फरवरी 2011 की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पीक हो गया था फूड प्राइस इंडेक्स, राइट। सो लेट होप कि आगे चलकर ये फूड प्राइस इंडेक्स कम हो एंड देर विल बी रिड्यूस इन द इंटरनेशनल प्राइजेस ऑल्सो, एंड सो दैट वी हैव ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस एंड फॉर द वर्ल्ड, ओके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर्स के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।